मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को मालूम होगा, अगर आप लोग दैनिक भास्कर से जुड़े होंगे या दैनिक भास्कर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते होंगे। दैनिक भास्कर की तरफ से एक प्रतियोगिता चलाई जा रही है, जिसमें आप देखते हैं हर दिन, यानी कि आप कह सकते हैं कि डेली 3 प्रश्न आपको दिए जाते हैं, उनके आंसर आपको बताने होते हैं, और हो सकता है कि आप भी कुछ इनाम के रूप में पा सकें। और आपको बता दूं कि ये 75 दिन तक चलने वाली है। तो इसमें आप देखेंगे आज ये क्विज नंबर 64, यानी कि 64वां दिन है ये, और इसकी हेडिंग आप सभी जानते हैं कि आओ जाने अपना भारत। और याद रखिए नॉर्मल क्वेश्चंस दिए जाते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत ही सरल क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और हर दिन यानी कि डेली आपको 2 विजेता घोषित किए जाते हैं, हो सकता है कि उसमें आपका भी नाम आ सकता है। चलिए तो आज के 3 क्वेश्चंस के हम लोग आंसर एक एक करके जल्दी से देख लेते हैं। महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह कौन थे? आप सभी लोगों ने महाभारत देखी होगी, और मेरा यहाँ तक मानना है कि अगर आप भारत में रह रहे हैं तो आपको महाभारत और रामायण जरूर देखना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह थे विचित्र वीर, ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत का राष्ट्रपति फिर निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? कि इनका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक बार राष्ट्रपति कोई व्यक्ति बन गया, या मान लीजिए कि आप ही एक बार राष्ट्रपति चुन लिए गए, तो अगले कितने सालों तक आप लोग चुनाव लड़ सकते हैं? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 5 साल का कार्यकाल होता है उनका, 5 साल बाद फिर चुनाव होंगे। तो याद रखिए भारत में कोई सीमा नहीं है, आप जितनी बार चाहें उतनी बार, ठीक है। और देखिए अमेरिका में आप देखते हैं कि 2 टर्म के लिए वहां राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन हमारे भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे सामने कि ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र क्या है? तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, भारत, चीन, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो आप याद रखिए तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, यहां आप लोग मैप में देख भी सकते हैं एक बार। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी पर हमारा प्यारा भारत है, और इस क्षेत्र को आप लोग तिब्बत वाला क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि ये आपका यहाँ बांग्लादेश भी देखने को मिलेगा, और ये हमारा प्यारा भारत है। अपने पड़ोसियों को देखना है तो आप देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और यहाँ आपका चाइना। तिब्बत पहले चाइना का हिस्सा नहीं हुआ करता था, याद रखिएगा। ये आपका नेपाल हो गया, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, जिसे आप लोग बर्मा के नाम से भी जानते हैं, और नीचे आप लोग श्रीलंका देखते हैं, ठीक है, ये आपका श्रीलंका है। और इस प्रतियोगिता में आप लोग भाग कैसे ले सकते हैं? याद रखिए ऑनलाइन लिंक से जो जवाब दिए जाएंगे वही मान्य होंगे, और इसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, ठीक है। तो वहां से आप लोग डायरेक्ट भी होम पेज पर पहुंच सकते हैं उसके, और वहां से आप लोग आंसर दे पाएंगे, या फिर आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, इस नंबर पर आप लोग क्या करेंगे, 9190000072, इस पर जैसे ही आप लोग मिस कॉल देंगे तो आपके नंबर पर एक मैसेज आएगा, उसमें एक लिंक दी गई होगी, वहां आप लोग क्लिक करके वहां से भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। कुछ सामान्य जानकारी भरनी होती है, अपना शहर, अपना नाम, ठीक है, एज अपनी, जीमेल अपनी, तो इस तरह की नॉर्मल जानकारी होती है वहां, कोई मुझे नहीं लगता है कि आपको परेशानी होगी। और याद रखिए ये लिंक सुबह 6 बजे एक्टिव हो जाती है और शाम के 3 बजे तक एक्टिव रहती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अगर हम लोग कल के विजेताओं की बात करें तो बंटीलाल और इंदिरा कल के विजेता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए कल जो भी आंसर रहेंगे उन्हें हम लोग आराम से क्वेश्चन सुन के आंसर देखेंगे, ठीक है।